A very good morning to all of you. This is Rinki Singh and today we are going to start the chapter of class 7. Chapter name is Transportation and Excretion. आप सभी बच्चे जानते हैं ऑनलाइन क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशंस का जो टॉपिक था वो स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने जाना था कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रेशन किस तरीके से होता है. हम नेक्स्ट फर्दर बात कर रहे थे ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. तो आप ये इतना ध्यान रखें कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन में, चाहे आप न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशंस या जितने भी पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी थ्रू द ब्लड ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में काउंट किया जाता है, यानी वो सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है. और ऑनलाइन क्लास में आप सभी को हार्ट सिस्टम समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही थी. तो मैंने आप सभी को जैसे कहा था कि वीडियो के थ्रू आपको मैं क्लियर करूंगी इन सारे डाउट्स को. तो यहाँ पर हार्ट का स्ट्रक्चर है. आज की क्लास में हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, छोटी से छोटी बेसिक चीज़ें और उसके फैक्ट को जानेंगे. हार्ट के क्या काम होता है, उसमें सर्कुलेशन जो है वो किस प्रकार से होता है. ठीक है, चलिए पहले कुछ इनकी चुनिंदा चीज़ों से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज़, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशी का बना होता है. अगर हम बात करें कि कौन सी मांसपेशी का बना होता है, तो कार्डियक मसल्स का बना होता है. इसके मांसपेशी का नाम होता है कार्डियक मसल्स का एक हार्ट बना होता है. अब हम बात करें कि हार्ट का साइज कितना होता है. ऑनलाइन क्लास में भी मैंने आपसे भी बताया था, आपकी मुट्ठी के बराबर, एक फिस्ट के बराबर एक हार्ट का क्या होता है, आपका ऑर्गन जो है उसका इतना साइज होता है, एक मुट्ठी के बराबर उसका साइज होता है. ठीक है, अब इसमें हम डायस्टॉल सिस्टॉल, मतलब फर्दर जब आप इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे पूरी तरीके से, तो हम डायस्टॉल सिस्टॉल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और हार्ट पल्स कितनी, पल्स रेट, ये कुछ बेसिक चीज़ों को इसी क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, अब हम बात करें कि हार्ट बीट की, तो बहुत ही बेसिक है ये, आपसे डे टू डे लाइफ में भी आपसे नॉर्मल जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी हार्ट बीट जो होती है एक मिनट में कितनी बार बीट करती है, धड़कती है. तो 70 to 72, ठीक है, पर मिनट बीटिंग होती है हार्ट की. अगर दिल की धड़कन पूछी जाए कि एक मिनट में दिल की धड़कन कितनी बार धड़कती है, तो एक मिनट में जो दिल की धड़कन धड़कती है वो 70 to 72, ठीक है, 70 to 72 के करीब. और अगर हम बात करें कि सबसे छोटे जो शिशु, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो अभी अभी जन्म लिया है जिन्होंने, उनकी हार्ट बीट रेटिंग क्या होती है, तो एक मिनट में उनका दिल 140 बार धड़कता है. कुछ बेसिक चीज़ें की बात हो गई है, अब हम फर्दर क्लास की बात करते हैं. अब ये स्ट्रक्चर आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा, बट अगर आप फॉलो करेंगे और ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत क्लियर वे में समझ में आएगा ये हार्ट सिस्टम क्या है. ठीक है, अब हम अगर एक हार्ट का मैं स्ट्रक्चर बोलूँ तो आप बड़े बेसिक वे में इस तरीके का बना देते हैं, बट हार्ट ऐसा नहीं दिखता. हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, कुछ इस तरीके का होता है. अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 4 कंपार्टमेंट की तरह 4 चैम्बर होते हैं. अब कहाँ कहाँ है चैम्बर, आप यहाँ पे फोकस करें. सबसे पहले ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये पूरा गोला नजर आ रहा है, इसको बोलेंगे राइट आर्ट्रियम. इट्स कॉल्ड राइट आर्ट्रियम. ये मैंने ऑनलाइन क्लास में भी समझाने की कोशिश करी थी, बट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ना होने की वजह से आपको क्लियर नहीं हो पाया. तो इसको ध्यान से समझें, ऊपर वाला जो चैम्बर है वो राइट एट्रियम कहलाता है. उसी के अपोजिट अगर हम चैम्बर लें, इसके अपोजिट, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम. ठीक है, राइट आर्ट्रियम और ये वाला जो है, ये जो आपका दिख रहा है ये वाला, ये हिस्सा हो जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम. राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम. ठीक है, अब नीचे फर्दर आते हैं इधर वाले हिस्से पे. ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है पूरा बेटा, ये वाला, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल. उसी के अपोजिट यहाँ पे ले लेते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल. ये हमने बात कर ली 4 चैम्बर की. ठीक है, अब बात करें कि वो किस द्वार से खुलता और बंद होता है, उस द्वार का नाम क्या होता है. देखो, ये जो आपको ये तिकोना सा नजर आ रहा है, इनको वॉल्व कहते हैं, वॉल्व कहा जाता है. तो ये वॉल्व का काम क्या होता है, बेसिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम होता है, खोलने और बंद करने का काम होता है. अब ये भी वॉल्व है, ये भी एक प्रकार की वॉल्व है, ये भी एक प्रकार की वॉल्व है, दिख रही होगी आपको ये और ये. ये दो वॉल्व होती है जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करती है. ठीक है, अब ये ओपनिंग क्लोजिंग कब करती है, जब ये वाला हिस्सा भर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली
ओपन हो जाती है, खुल जाती है और यहाँ से ब्लड इसमें आ जाता है, ठीक है। जब ये भर जाता है तो ये अपने आप क्लोज हो जाती है, तो ये इस तरीके से ओपनिंग क्लोजिंग का काम करती है। अब इसको स्टार्टिंग से इसके फंक्शन को समझते हैं, कहाँ से ब्लड आता है। मैंने आप सभी को दो चीज़ें ऑनलाइन क्लास में बताई थी, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हम बहुत साधारण भाषा में समझे तो एक शुद्ध और अशुद्ध ब्लड भी कहा जा सकता है, बट एग्जैक्ट जो वर्डिंग होती है वो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब मैंने आप सभी को बताया था ऑक्सीजन कैरी करने वाला ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, या उसको हम कहें अशुद्ध रक्त, ठीक है। तो यहां से पूरे शरीर से, मैंने आर्टरी कैपिलरी भी आप सभी को बताया था, अगर क्लियर नहीं होगा तो एक ऑनलाइन क्लास में इसको क्लियर करवा दिया जाएगा। अब इसको क्विकली वे में समझ लेते हैं क्या होता है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ये दोनों इन्वॉल्व करना होता है वेना कावा, ठीक है। वेना कावा क्या करता है, पूरे ब्लड, मैंने आपको क्या बताया, वेन लेकर आती है, आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आती है, वेन लेकर आती है। तो पूरी जगह से, यानी आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड या आपका है अशुद्ध ब्लड, ये दोनों वॉल्व किसमें डालती है, राइट आर्ट्रियम में डालती है। कहाँ डाला इन्होंने, राइट आर्ट्रियम, इस वाले हिस्से में डाला, ठीक है। अब ये जब पूरा भर जाता है तब ये वॉल्व खुल जाती है और इसका ब्लड कहाँ आ जाता है, इधर आ जाता है, इसका मतलब कहाँ, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, क्लियर है। यहाँ पे ब्लड आया, ये वॉल्व जब ये पूरा भर जाएगा, फिल हो जाएगा, तो वॉल्व अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाएगी और इसका पूरा ब्लड यहाँ आ जाएगा और ये अपने आप फिर बंद हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद ब्लड कहाँ जाता है, यहाँ पर आने के बाद ब्लड जाता है बेटा, ये आपको दिख रहा होगा, ये और ये, यहाँ के बाद ब्लड जाएगा इसके अंदर और ये यहाँ से बाहर की ओर निकल जाएगा। अब बाहर कहाँ निकलेगा, आपके बॉडी में ही जाएगा। यहाँ से निकलने के बाद इसके पीछे क्या होता है, लंग्स होता है। इस ये इधर से राइट लंग्स में, इधर से लेफ्ट लंग्स में, लंग्स में जाता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाएगा और लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर देगा। अब ये चीज़ों के बारे में डिटेलिंग में आप क्लास 10th में जानोगे कि वो किस प्रकार से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि अशुद्ध ब्लड को शुद्ध बना देता है, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें दे देता है, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ जाएगा, दोनों लंग्स में जाएगा, उसके बाद लंग्स से इन दोनों से, इसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, पल्मोनरी वेन सॉरी, तो यहाँ से जो है आपका इस चैम्बर में आएगा, जिसको कहा जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम। कहाँ आता है, यहाँ से बाहर की ओर गया, फिर इस दोनों जो आपकी यहाँ पे नलिका दिख रही है, यहाँ से इस वाले में आएगा, इस वाले पोर्शन में आएगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद ये अपने आप खुल जाएगा, जब वो फिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप खुल जाएगा और यहाँ से ब्लड आ जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, यहाँ पे फिल हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये द्वार आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये द्वार जा रहा है यहाँ से आउटा से आपके पूरे शरीर के हर एक हिस्सों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, फ्लो करने लगेगा। ये बात हो गई। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब इस तरीके से, रिलैक्स मतलब ऐसे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, धक धक होता है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। जब वो फिल हो जाता है तो वो रिलैक्स होता है, ठीक है। जब वो ये जब फिल हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये खुल जाएगा और ये ब्लड यहाँ पर आ जाएगा। जब वो रिलैक्स होता है उसको डायस्ट्रॉल कहते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको सिस्टॉल कहते हैं। ध्यान रखना, व्हाट इज अ डायस्ट्रॉल, जब वो कॉन्ट्रैक्शन होगा दैट्स कॉल्ड सिस्टॉल, और जब वो रिलैक्सेशन होगा दैट्स कॉल्ड डायस्ट्रॉल, ठीक है। इसको क्लियर रखना है। अब हम बात करते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, अगर कोई डाउट होता है तो हम दोबारा ऑनलाइन क्लास में इसको क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, और समझ में आया है तब भी कमेंट बॉक्स में बोलें कि हाँ मैम क्लियर है ये चीज़ें। ओके, आई होप इट्स क्लियर। हैव ए गुड डे। बाय बाय।